अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल अल शिफा यूनानी दुआखाना और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम कारी तनवीर अहमद। मैं नई वीडियो के अंदर मैं अपने तमाम व्यूअर्स और तमाम सब्सक्राइबर को खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको नमक पुटकंडा के फ़वाद बताऊँगा कि नमक पुटकंडा जो है आप किन किन अमराज के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल अल शिफा यूनानी दवाखाना सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल के निशान को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप मिल सके। नाज़रीन, नमक पुटकंडा एक बहुत ही हैरान कन किस्म का नमक है। इसके बहुत ही बेहतरीन फ़वाद हैं, उनमें से चंद फ़वाद ये हैं कि अगर आप पुरानी खांसी का शिकार हैं जो कि किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रही तो नमक पुटकंडा जो है एक रत्ती आप सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप दमे के अर्जे के अंदर मुब्तला हैं तो चाहे जितना भी पुराना दमा हो वो नमक पुटकंडा के इस्तेमाल के साथ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है। और जितनी भी बलगम आपको बनती है, सीना बंद हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो बलगम के इखराज के लिए नमक पुटकंडा जो है एक अक्सीर की हैसियत रखता है। और पेट दर्द के लिए, बंदश पेशाब के लिए, छोटा पेशाब अगर बंद हो गया तो उसको खोलने के लिए बहुत ही कारआमद है। दर्द शकीका के लिए यानी आधे सर का दर्द या वैसे सर दर्द रहता हो तो उसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बलगमी बुखार के लिए, इस्तिस्का के लिए यानी कि पेट में पानी पड़ना, और अगर हाजमे की खराबी है तो उसके लिए, इन तमाम अमराज के लिए नमक पुटकंडा जो है बहुत ही अक्सीर का दर्जा रखता है। इसको इन अमराज के अंदर आप इस्तेमाल करें और इन अमराज से जान छुड़ाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए नुस्खे के साथ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।